हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। KBS के द्वारा फाइनली न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। PRT का पूरा फोकस रहेगा PRT के नए पैटर्न और इंटरव्यू को लेकर, और साथ में जो एग्ज़ाम का रेशियो होता है वो किस तरह से निकाला जाएगा, पूरी वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई कंसर्न रह जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए एक अलग से वीडियो आएगी रात में, डिटेल्स में सारी वीडियोज़ आएगी। फिलहाल अभी मैं आपको PRT के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। देखिए, वन बाय वन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पार्ट ए में देख सकते हो आप जनरल इंग्लिश, जो कि 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल हिंदी में 10 क्वेश्चन। इसके अलावा पार्ट टू में, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, रीजनिंग और कंप्यूटर प्रोफेंसी, टोटल 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GK और करंट अफेयर्स से 10 नंबर और रीजनिंग एबिलिटी से 5 और कंप्यूटर लिटरेसी से 5-5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आगे देख सकते हो आप यहाँ से, ये जो एजुकेशन एंड लीडरशिप है ना, इस बार सिलेबस को बदला गया है और 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये टोटल सिलेबस बदल चुका है। पिछली बार सिलेबस में कुछ और था, इस बार सिलेबस में कुछ और है। आगे देख लीजिए, पार्ट फोर में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाई जो सिलेबस है वो पढ़ना होगा। इसमें क्या क्या आएगा, अब इसमें आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और SST के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल्स टॉपिक वाइज वीडियो में बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और इस बार का जो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। डेमो में आपको 30 मार्क्स, इंटरव्यू में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, और इसका जो वेटेज होगा ना, डेमो टीचिंग का वो 15 होगा, इंटरव्यू का 15, और 70-30 का रेशियो होगा। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में 150 मार्क्स में जो जितने नंबर आप लाते हो, और इंटरव्यू का 30% जोड़ा जाएगा, तो ये अच्छी बात है। पहले ये 85-15 का रेशियो होता था, इस बार जो है इसे 70-30 का रेशियो कर दिया गया है। तो ये थ्री डिटेल्स, वीडियो बाद में आएगी ही चैनल पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।